जमाना रश्क करता है वो 10 हिजरी के मंजर पर, बराए हज नबी के संग चला जब लाख का लश्कर। जी हाँ दोस्तों, सिहाब भाई का सपना हुआ पूरा। वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। एक नई वीडियो में आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं। तो मेरे दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी होगी, खास होगी। काफ़ी अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, यानी हज 2023 को लेकर और सिहाब भाई को लेकर। तो मेरे दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहे। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इंशाल्लाह सिहाब भाई के बाद भी दोस्तों इस चैनल पर काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो जो है आपको मिलती रहेंगी। तो मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे दोस्तों, आज हज हो चुका है, ये तो आप सबने पता है दोस्तों, यानी कल ईद है इधर इंडिया में, यानी अदर कंट्री में। और सऊदी में जो है ईद मना ली है, और हमारे सिहाब भाई ने भी जो है दोस्तों सऊदी में ईद मनाई है। तो दोस्तों, एक बार आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद पूरी जानकारी आपको देंगे। ये हमारे पास वीडियो आई है सऊदी से अभी अभी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, माशाल्लाह से आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें। और माशाल्लाह हमारी कुर्बानी भी हो गई, अब हमें हलक कराना है और एहराम की पाबंदियाँ जो हैं वो हम पर ख़त्म हो जाएंगी। हम अपनी नॉर्मल ड्रेस पहन सकते हैं और ये देख सकते हैं आप, फिर से हम एक बार मीना के अंदर हाजिर हैं। और ये सामने आप देख ही सकते हैं, हाजी लोग अपने खेमों में जाने के लिए बेताब हैं, क्योंकि बरसों से चले हुए हैं, थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, आज लौट कर आए हैं। बहार दोनों साइड में देख सकते हैं, देख सकते और आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अभी वक्त हुआ है तकरीबन 4:25 और आप देख सकते हैं सभी हजरात अभी तक अपने हलक कराने में बिजी हैं, क्योंकि किसी की कुर्बानी की खबर नहीं आ पाई थी कि कुर्बानी हुई है नहीं हुई है। और हमारी कुर्बानी माशाल्लाह सुबह ही हो गई थी, तो हमने अपना हलक करा लिया है। और बहुत से हाजी आप देख सकते हैं अभी भी हलक के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए, ये आ रहे हैं भाग से हाजी। ये सब लोग हलक करा रहे हैं, हलक के बाद में ये अपने अहराम की पाबंदियों से फारिग हो जाएंगे और फिर इंशाल्लाह कल रमी करेंगे, तीनों शैतान को मारेंगे कंकरी, और उसके बाद में माशाल्लाह सुभान अल्लाह कमेंट में ज़रूर लिखे दोस्तों। ये था खूबसूरत नज़ारा दोस्तों हज 2023 का। दोस्तों सभी हाजियों ने, यानी जो है आज के अरकान थे, आज के दिन के, वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। यानी शैतान को जो है कंकर मारी सिहाब भाई ने, और टोटल जो हज पर जा रहे हैं 20 लाख हाजी। और फिर उसके बाद जो है दोस्तों, यानी वहाँ पर को नमाज अदा की, उसके बाद जो है कुर्बानी हुई दोस्तों, फिर उसके बाद जो है सर के बाल कटे, ये आपने वीडियो में देखा होगा दोस्तों। तो दोस्तों कल, यानी कल फिर जो है शैतान को कंकर मारेंगे, आपने सुना होगा दोस्तों, कल फिर जो है सभी हाजी शैतान को फिर कंकर मारेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों सभी हाजी और सिहाब भाई जो है, यानी मीना से मक्का की तरफ रवाना हो जाएंगे दोस्तों, और काबे शरीफ का जो है तवाफ करेंगे। दोस्तों सिहाब भाई का काफ़ी दिनों से मतलब ये सपना था कि जो है 2023 का हज करूं और पैदल करूं। दोस्तों सिहाब भाई ने काफ़ी मेहनत की है यहां तक पहुंचने के लिए। दोस्तों सिहाब भाई का जो सपना था वो आप सबकी दुआओं से पूरा हो चुका है। और दोस्तों मेरी तरफ से आप सभी को तहे दिल से ईद मुबारक हो। दोस्तों सऊदी में जो है ईद हो चुकी है, और हमारे यहाँ इंडिया में दोस्तों कल ईद मनाई जाएगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को तहे दिल से ईद मुबारक हो दोस्तों। और सिहाब भाई के हवाले से ये है खबर है कि सिहाब भाई ने जो है सभी अरकान पूरे कर लिए हैं दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सिहाब भाई ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो मेरे दोस्तों जो भी हाजी वहां पर पहुंचे हैं, तकरीबन 20 लाख हाजी हैं, उन सब के लिए जो है आप सब दिल से जो है दुआ करें, और सिहाब भाई के लिए भी दुआ करें। और हमारे नौसाद भाई हैं दोस्तों जो केरला से चले हैं, वो दिल्ली में रुके हैं, यानी 2024 का हज के लिए वो पैदल चले हैं, अपने कागजी कार्रवाई को लेकर दिल्ली में रुके हैं दोस्तों, यानी उन उस भाई के लिए भी जो है आप सब दिल से दुआ करें।
तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे। कल मिलते हैं दोस्तों एक नई अपडेट के साथ।